رحم الله من أراد الحاضر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد वो तकाजाए मुवद्दत है।
रिक्वायरमेंट्स ऑफ मोहब्बत, मोहब्बत हमसे क्या चाहती है, उसका मफहूम क्या है, उसका मीनिंग और माना क्या है। इसी दिल में मुसलसल आपसे हम कलाम हूं और कुरान रवायात आयात और अहादीस के आईने में कुछ मफरूजात को पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, उसका एहसान है कि आप मेरी उम्मीदों पर पूरी तरह से उतर रहे हैं। उम्मीद यही थी कि आज मजमा इतना ही रहेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मजालिस अदादारी फर्शियादा नौहा मातम, ये सारी चीजें मोहब्बत की निशानियों में से है। ये मोहब्बत ही है कि जो हम यहाँ जमा हैं और ये उसी का तकाजा है कि जो हम पूरा कर रहे हैं और इसके तहत हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। यकीनी मानों में ये जो रस्म, ये जो आदाब है, ये जो तौर तरीका है मजालिस का, ये हमें विरसे में मिला है और ये सुन्नत है कहीं ना कहीं से मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत में। ऐसा नहीं है कि हमने मसीहा खानी पेशवानी मजालिस खुद से इजाद की। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने इस चीज को इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि हमारे जवान, हमारे बच्चे इस चीज से आशना हों और उन्हें पता चले कि वकील साहब ने पेशानी ईजाद नहीं किया है या इनके वालिद मोहतरम ने मसीहा खानी की बागडोर को संभाला जरूर, लेकिन उसको ईजाद नहीं किया है। हमारी तरफ से कुछ नहीं है, बल्कि जो कुछ भी है अहले बैते अज़हार अलैहिस्सलाम की तरफ से। कैसे है? इस तरह से है कि जब मजालिस का एहतमाम अहले बैते अज़हार किया करते थे, आइमे मासूमीन किया करते थे, तो मजलिस से पहले खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हो, छठे इमाम हो, पांचवें इमाम हो, मजलिस से पहले जाकिर को मिंबर पे भेजते थे कि कुछ सलाम पढ़ो, कुछ कसायद पढ़ो, कुछ मर्जिए पढ़ो। तवज्जो चाहता हूं, इमाम की ताईद उस वक्त भी हासिल थी और शामिल थी और आज भी शामिल है और उसे हासिल है। यही वजह है कि दिन ब दिन, रोज ब रोज इसे उरूज मिलता जा रहा है। जिस चीज पर इमाम की नजर इनायत हो, वो चीज कभी खत्म नहीं होती है, वो बढ़ा करती है। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद अली अकबर। अभी बात आ गई है तो मैं जब जवानों को और अपने बच्चों को देखता हूं तो वाकई मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। बच्चों, ये आपके लिए बात कर रहा हूं। जब बात आ गई है तो अब इसी बात से एक बात को निकालते चलूं। फिर जब हम मजलिस से आना शुरू करते हैं, भैया थोड़ा जल्दी आया करें, सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जब बात निकलती है, जब हम मजलिसों का आगाज करते हैं, तवज्जो चाहता हूं मैं, जब हम मजलिसों का आगाज करते हैं तो आपने हर मजलिस से पहले देखा होगा, देखते हैं, मुशाहदा करते आ रहे हैं हमेशा कि मजलिस से पहले जब जाकिर मजलिस शुरू करना चाहता है, कोई आदमी मजलिस पढ़ना चाहता है, तो उससे पहले एक जुमला कहता है, क्या रहमल्लाहु मन करा अल फातिहा। एक मतलब मैंने मजलिस में इशारा किया था कि मसलन फातिहा पढ़े या सिर्फ कह दिया फातिहा, फिर उसके बाद अगर मरहूम के सारे सवाब की मजलिस है तो फिर कहा जाता है कि एक सूरह फातिहा तीन मतलब सूरह हम की तिलावत करके मरहूम को फलाम फलाम मरहूम को आप बख्श दें, तो उसके बाद खुतबा होता है, मजलिस होती है, उसके बाद यही तो है ना। और कुछ सवाल मेरा यह, मैं अपने जवानों से कर रहा हूं,
मैं अपने बच्चों से सवाल करूं, बुजुर्गान से मुस्तस्नी। सवाल क्या है, ये जो हम फातिहा पढ़ते हैं, कहते हैं कि जो है रहम अल्लाह मन कर अल फातिहा, ये है क्या? कभी आपने गौर किया ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसका मफहूम क्या है, आखिर हम पढ़ते क्या हैं और क्यों पढ़ते हैं? कोई मुझे बताएगा जवाब इसका, जवानों में मैं अपने बच्चों में, कोई है किसी को इल्म है कैसे ही मतलब मौलाना ने कहा फातिहा तो आप जवान पे करके मतलब खामोश हो गए, सलवात पढ़ दिया बस उसके बाद काम तमाम हो गया, मौलाना ने खुतबा शुरू कर दिया मतलब शुरू हो गया, कुछ मफहूम होगा उसका, हमने कहा फातिहा। अच्छा इसका मीनिंग क्या है, कोई भी बता दे मुझे, अपने जवानों में, अपने दोस्तों में, बच्चों में, अपने हर कोई बताने वाले में किसी को पता है, शर्माया नहीं बता दे खड़े होके, जिसको बताओ क्या पढ़ते हैं हम? नहीं आपसे नहीं, बच्चों से सवाल कर रहे हैं, इनकी बारी जब खत्म हो जाएगी तो आपसे पूछेंगे। जी बताइए, सूरह अलहम पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले फातिहा सूरह हम्द का दूसरा नाम है, तवज्जो चाहता हूं, फातिहा सूरह हम्द का दूसरा नाम है, जब जाके कहता फातिहा या रहमल्लाह मन कर अल फातिहा, अल्लाह उस पर रहम करे कि जो सूरह फातिहा की तिलावत करे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले मस्जिद से स्टार्ट होती है, ये हदिया होता है सूरह फातिहा हमारी तरफ से आइम्मे ताहिरीन के लिए, यानी हमारा काम कोई भी बगैर आइम्मे ताहिरीन की तारीफ के शुरू नहीं होता है, इसलिए मैंने पहले कहा था जो काम भी आइम्मे मासूमीन की तारीफ के साथ होता है खुदावंद आलम उस काम में बरकत अता करता है। अब आप अगर अपने कामों में बरकत चाहते हैं तो जो काम भी अंजाम दे तो फिर ये नियत करें कि हम अहले बैत की खुशनूदी के लिए कर रहे हैं, खुदा की खुशनूदी के लिए कर रहे हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब मैंने अपनी बात को आगे बढ़ा दिया, अब मेरी जो गुफ्तगु चल रही थी ये सारी चीजें, ये मजलिस का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है कि जो पूरा होना चाहिए इसे पूरा करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हमारी बहस जो चल रही थी, बात जो चल रही थी, वो यहां तक पहुंची थी कि खुदावंद आलम ने फरमाया कि इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात सयजअलुहुर रहमानु वद्दा, कि इन्नल लदीना बेशक वो लोग जो ईमान ले आए व अमिलुस सालिहात और अमल साले बजा लाते हैं सयजअलुहुर रहमानु वद्दा, करीब खुदावंद आलम उनके दिलों में, उनके कुलूब में, उनके दिल में खुदावंद आलम मवद्दत को दाखिल कर देगा, मवद्दत को भर देगा। अब जब हमने मुफस्सरीन से सवाल किया कि आप भी बताएं कि ये मवद्दत जो परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि मवद्दत को उनके दिलों में डाल देगा, किसके दिल में, जो साहिबे ईमान, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, जो साहिबे ईमान होंगे, जो बामारफत होंगे, जो नेक आमाल अंजाम देते होंगे। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि ये किसकी मवद्दत है, ये किसकी मोहब्बत है? मुफस्सरीन ने आवाज दी कि ये कोई और मवद्दत नहीं है, ये वही मवद्दत है, ये वही मोहब्बत है कि जिसको पैगंबर इस्लाम ने अपनी उम्मत से मांगा था कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे अहले बैत से मवद्दत अख्तियार करो। खुदा ने वादा किया है अगर साहिब ईमान रहोगे, बात तकवा और बाईमान रहोगे, तो मैं अहले बैत की मवद्दत को तुम्हारे दिल में ला दूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मोहब्बत के तकाजे हैं, मोहब्बत के अपने अपने अंदाज है। मैंने बयान किया जो मरातिब मोहब्बत है वो पांच है, इससे एहसान है जिसके बारे में गुफ्तगु हो चुकी, और उसके बाद हुब है जिसके बारे में मैंने आपको बयान कर दिया, और अगर उसके बारे में बयान किया जाए तो बस एक मजलिस नहीं बल्कि पूरा अशरा दरकार है। मैं उस बात को छोड़ते हुए बात को आज आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तीसरी मंजिल में जब मोहब्बत पहुंचती है, अल्लाह अकबर, तो वो इश्क की मंजिल होती है।
कौन सी मंजिल होती है? इश्क की मंजिल होती है। इश्क कब होता है इंसान को? जब मोहब्बत परवान चढ़ जाती है तो उसे इश्क कहा जाता है। अल्लाह अकबर। जब मोहब्बत परवान चढ़ जाती है तो उसे इश्क कहा जाता है। इश्क वो होता है कि अब इंसान को अपने वजूद की खबर नहीं रहती, तो जो जाता हूं अपने वजूद की कोई खबर नहीं रहती है। अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई शख्स किसी से मोहब्बत करता है, एक इंसान के दिल में अगर खुदा की सही मानों में मोहब्बत है, मोहब्बत है, तो फिर वो उसका वजूद ऐसा लगता है कि वो दीवाना नजर आता है। हर वक्त उसकी याद में मोह रहता है, खोया खोया सा रहता है, दीवानगी सा आलम रहता है। अब अगर तारीख में तलाश करना है तो बहुत सी मिसालें मिलेंगी, लेकिन दरिया अहले बैत पर आइए तो इश्क की मिसाल अगर आपको देखना है तो बहलोल दाना से बेहतर मिसाल नहीं मिल सकती है कि जिसे दीवाने अहले बैत कहा जाता है। अहले बैत की मोहब्बत में उसने अपने आप को इतना परवान चढ़ाया, इतना परवान चढ़ाया कि उसे लोग दीवाना कहते हैं। अमा दीवाना वो कहते हैं जो खुद दीवाने होते हैं। ये दीवाना नहीं बल्कि दाने अहले बैत है। मंजिलों पर उसका गुजर होता है, वो जो इश्क की मंजिल में आ जाता है तो बस उसकी नजर में सिर्फ खुदा होता है और कोई नहीं होता है। अब जब उसके हाथ फैलते हैं तो दूसरों के दर पे नहीं जाता है, वो खुदा की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करता है। जब उसे जरूरत होती है तो वो किसी और से नहीं बयान करता है, वो सिर्फ अपने महबूब से बयान करता है जिससे वो इश्क करता है, और फिर वो किसी और की इबादत नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब की इबादत करता है। जैसे ही अल्लाह अकबर की आवाज उसके कानों में जाती है वो नमाज के लिए आमादा हो जाता है। जैसे ही हुसैन की मजलिसों की आवाज आती है वो फर्श आज़ा की जीनत बनकर इस बात का ऐलान करता है कि हम आशिके हुसैन है, हम आशिके रसूल है, हम आशिके खुदा है। ना नमाज में देरी होती है, ना अज़ा में देरी होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। पहुंचने के बाद इंसान को अपने वजूद की कोई खबर नहीं रहती है। अब चाहे वो जिंदा रहे, चाहे वो मर जाए, चाहे वो उसकी मोहब्बत में अपनी जान को निछावर कर दे, उसे ये परवाह नहीं रहती है कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। बस उसे फिक्र रहती है कि जिससे वो मोहब्बत कर रहा है, जिसका इश्क उसके सीने में है, उसका नाम जिंदा रहे, उसका वजूद बाकी रहे। अब इसकी मिसाल देखना है तो जनाब इब्राहिम से बेहतर मिसाल कोई नहीं नजर आएगी कि नमरूद ने हजारों टन लकड़ियां जमा करने के बाद उसमें जब आग लगवाई है, इंजीनियर के जरिए जनाब इब्राहिम को आग के हवाले किया जा रहा है, लेकिन इत्मीनान इश्क इतना है कि इब्राहिम आग की तरफ जा रहे हैं, फरिश्तों में खलबली है, लेकिन इब्राहिम के दिल में वह सुकून पाया जाता है। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि जब जिब्राइल ने सवाल किया, अरे जिब्राइल ने सवाल किया कि अरे इब्राहिम क्या तुमको मदद की जरूरत है, क्या तुम मदद चाहते हो? इब्राहिम ने सिर्फ एक जुमले में जवाब दिया था कि अरे जिब्राइल, मैं जिससे इश्क करता हूँ वो मुझे खूब पहचानता है, उसे बचाना होगा तो इसी आग को गुलजार बना देगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आवाज दिया, बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम की। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले। दुम
मुरीदा सलवार पसंद नहीं है। जब भी सलवार पढ़ो तो पूरी सलवार पढ़ो, क्योंकि सलवार ही का सवाब वो है कि ना फरिश्ते लिख पाते हैं ना दुआ जन, ना ही इस दुनिया की मखलूक उसका हिसाब लगा सकती है। फरिश्तों को जब पैगंबर इस्लाम ने शबे मेराज देखा और देखा कि एक फरिश्ता है जिसके हजारों उंगलियां हैं, हजारों हाथ हैं, आपने सवाल किया कि ये फरिश्ता कौन है? जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के नबी, ये वो फरिश्ता है, ये वो फरिश्ता है कि जो बारिश के कतरों का भी हिसाब करता है, दुनिया के हर चीज का हिसाब करता है। अच्छा, कौन कौन से कतरों का? तो उस फरिश्ते से जब सवाल किया, क्या तुम तमाम बारिश के कतरों का हिसाब कर लेते हो? कहा अल्लाह के रसूल, जितने भी पत्तों पर बारिश पर के कतरे पड़ते हैं मैं उनका हिसाब जानता हूँ, खुश्की में कितने कतरे पड़े मैं उसका हिसाब जानता हूँ, खुश्की में उसके बाद दरियाओं में कितने कतरे पड़े मैं उसको भी जानता हूँ, सहराओं में कितने कतरे पड़े मैं उसको भी जानता हूँ। एक मतलब पढ़कर पैगंबर इस्लाम ने सवाल किया, अच्छा ये बता कि दुनिया में कोई ऐसी भी चीज है कि जो जिसका तू हिसाब नहीं कर सकता, उसका लामहदूद हिसाब हो, तू इसका हिसाब नहीं जानता हो? एक मतलब उसने हाथों को जोड़ा, पैगंबर इस्लाम, मैं दुनिया की हर शय का हिसाब और किताब रखता हूँ सिवाय इसके कि अगर कोई शख्स और मिलके खुशबू में जब साथ में आप पर और आपकी आल पर सलवात पढ़ते हैं तो उसका सवाब इतना होता है कि मैं लामहदूद लिख देता हूँ, और उसका सवाब सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है कि कितना होगा। सलवात पढ़े इनके बारे में कोई शक और बे इंतहा इश्क करते
हैं जनाब इमाम से, इमाम वक्त से, हर वक्त लोगों का इंतजाम करना, मुंगी को बुलाना, खाना खिलाना, दावतें करना, लोगों को बुलाना, इंतजाम करना, पैसे करना, महफिली करना, ये उनका एक शौक था, एक काम था। हर एक को दावत दिया करते थे। एक मौका उनको दिल में चाहत हुई कि हम इतना इमाम को चाहते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना बुला रहे हैं, लेकिन इमाम एक मौका भी हमारे पास नहीं आते, परेशान हो दिन से बुला रहा था मैं आपको, कितनी चाहत थी लेकिन आप अभी तक नहीं आए, हम सब आपके मुंतजिर हैं। मुल्ला हुसैन तुम अपनी बात करो, हम सब वाली बात ना करो, बताओ मुल्ला हुसैन तुम अपनी बात करो, सबकी बात ना करो। घर में आए, साथ में खाना नोश किया और उसके बाद मुल्ला हुसैन ने एक अच्छी चिट्ठा कहा, जितने चाहने वाले सब चाहते हैं कि आपसे मुलाकात करें, आप जुहूर फरमाइए, आप जुहूर क्यों नहीं फरमा रहे, आपको जुहूर करना चाहिए, हम लोग आपके मुआविन हैं, मददगार हैं, मदद करने वाले हैं, नासिर हैं। एक मतलब इमाम ने कहा, मुल्ला हुसैन सही मानो में मैं बताऊं तुम्हें कि क्या ये मेरे चाहने वाले आशिक हैं या नहीं है, ताकि हाँ मतलब ये मेरे आपके आशिक हैं, जब पर जान फिदा करने के लिए तैयार रहते हैं, मैं जब भी तुम्हारे ऊपर की दुकान पर आ जाते हैं, मजलिस करते हो तो मजलिस में भी आ जाते हैं, तुम्हें भी आते हैं, जब भी दावत हुई तो दावत में शिला आप ही के नाम पे आते हैं, भाई मैं आप ही के नाम पे बुलाता हूं, वो सब आ जाते हैं। कहा अच्छा ठीक है, ये जो हजारों लोग तुम्हारे यहां मेहमान होते हैं, एक काम करो, इनमें से सिर्फ 40 अफराद का इंतखाब कर लो जो तुम्हारी नजर में बहुत ज्यादा मुंतकियों पर इंतजार है। अल्लाह अकबर, क्या समझे, 40 अफराद का इंतखाब करो कि जो तुम्हारी नजर में बहुत ज्यादा मोतबर है, बहुत ज्यादा मुंतकी परहेजगार है, और ऐसे लोगों का इंतखाब करो कि जिनके दिलों में मेरी बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा इश्क पाया जाता है। तो हजारों तुम्हारी हमारे घर पे दावत है, तवज्जो जाता हूं, मेरे घर पे तुम्हारी दावत है, अल्लाह दावत सबको दावत पर बुलाना, 40 अफराद। लेकिन एक काम करो, शबे जुमा में आऊंगा तुम्हारे घर पे, उन 40 अफराद से मुलाकात भी करूंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सबसे मुलाकात हो नॉर्मल। एक इमाम को मेरा मेरी जिम्मेदारी, वो मुझे चाहते हैं आशिक, तुम कह रहे हो ना आशिक, चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ कि वो कैसे आशिक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कैसे आशिक है, कैसे मोहब्बत करते हैं। एक काम करो, कहा मौलाना वो क्या, कहा कि दो बकरे दो गोस्पन चुपके से ला के रख लेना, उसकी खबर किसी को ना हो, तवज्जो है ना, दो बकरों का भी इंतजाम करना लेकिन उसकी खबर किसी को ना होने पाए। कहा ठीक मौला। एक मतलब फिर मौला जाने लगे, जाते जाते कहा कि मौला उसे एक बात और है, इनका मौला वो क्या, कहा कि वो एक कसाब है, कसाई है, जो मेरा बड़ा चाहने वाला है, उसको जरूर बुला लेना, 40 अफराद में उसका हिसाब किताब नहीं, 40 को अलग से बुलाना, उसको अलग से बुला लेना, कहीं से कहना कि मौलाना ने तुम्हें बुलाया, तुमसे मुलाकात होगी, कम से कम इतना इंसान अपने आप को इस लायक तो बनाए कि इमाम खुद कहे कि उससे मैं मुलाकात करूंगा, उससे कहना कि इमाम तुमसे मिलना चाहते हैं। तवज्जो नहीं किया आपने, जरूरी यह है कि इंसान अपना किरदार इतना बना ले कि खुद इमाम कहे कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। ये ना सोचिए कि इमाम को हमारी खबर दी है, इमाम को हर एक की खबर है, कौन कितना चाहता है, मेरे दिल में इमाम की कितनी मोहब्बत है, इमाम को उस
उसे पहचानते हैं, आपके दिल में कितनी मोहब्बत है, इमाम उसे खूब जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। इमाम का ये कह के पुकार बुलाना कि जाकर उससे कहना कि इमाम तुमसे मिलना चाहते हो, उसे खुसूसी तौर पर उसे बुला लेना, एक माना है, एक नहीं लगता है इसका, एक माना लगता है, इसका एक मफहूम है। शरीजुमा आ गई, 40 अफराद आ गए, खाना पक गया, सब कुछ हो गया, इंतजार हो रहा है कि इमाम आ रहे हैं, इमाम आ रहे हैं। एक मरतबा आफ्ताब इमामत तुलू होता है, लोगों ने देखा कि उसकी छत पर, उसके घर की छत पर एक आफ्ताब इमामत तुलू हुआ, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर फैल गया, लोगों ने सलावत का नारा पढ़ना शुरू किया, सलावत पढ़ना शुरू किया, इमाम आ गए, इमाम आ गए, इमाम आ गए। लोगों को यकीन हो गया अब हम इमाम से हमारी मुलाकात हो जाएगी, अब इमाम से मुलाकात दूर नहीं है। तवज्जो मेरे दोस्तों, इमाम से मुलाकात दूर नहीं है। एक मर्तबा मेहमान नीचे सहन में खड़ा हुआ है, इमाम छत पर है, इमाम ने आवाज दी, मुल्ला हुसैन बोलो कर साहब को मैंने बुलाया तो आया है या नहीं? कहा मौला? वो आया हुआ है, तब से भेजो छत पर, उसे छत पर भेजो। सबसे पहले किसे बुलाया? कसाब को बुलाया, कसाब को छत पर भेजो। वो दौड़ता हुआ छत पर जाता है, इमाम से मुलाकात किया, सलाम किया, मुसाफा किया, नाम लिया। इमाम ने कहा अब यहीं पर बैठो, तुम्हें नीचे जाने की जरूरत नहीं। इमाम ने कहा तुम्हें दो बकरे हैं, इन दो बकरों में से एक बकरे को आहिस्ता से जबा कर दो, किसी को खबर ना हो, तवज्जो करो, आहिस्ता से जबा करो, किसी को खबर ना हो। उसने उसको बिस्मिल्लाह किया, पिड़ा रुख हुआ, पिड़ा रुख होकर उस बकरे को उसने जबा कर दिया। अब छत के परनाले से होता हुआ बकरे का खून नीचे की तरफ, जमीन की तरफ आना शुरू हुआ। जैसे ही जमीन पर वो खून पहुंचा, एक बावैया एक आवाज पूछी, वो तो कसाब बड़ा चाहने वाला था इमाम का, बड़ा मुतकी था, परहेज जहां था, लग रहा है इमाम ने उसका काम, इमाम ने उसका काम तमाम कर दिया, वो खत्म हो गया, मर गया वो। मतलब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा भाई, अब क्या होगा, इमाम ने हम ही लोगों को तलब किया है। एक मतलब इमाम ने आवाज दिया, मुल्ला हुसैन जरा तुम ऊपर आ जाओ, तवज्जो चाहता हूं, मुल्ला हुसैन जरा तुम भी ऊपर आ जाओ। मुल्ला हुसैन भी दौड़ते हुए छत पर जाते हैं, जैसे ही छत पर गए, कसाब ने कहा कि आहिस्ता से मुल्ला हुसैन तुम नीचे बैठो, और उसके बाद कसाब से कहते हैं कसाब ये जो दूसरा बकरा है इसे भी सेवा कर दो, आहिस्ता से, किसी को खबर ना होने पर। पूरी तवज्जो चाहता हूं, हां पूरी तवज्जो, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए। एक मर्तबा सेवा करना शुरू किया, जैसे ही बकरे दूसरे बकरे को जमा किया, उसका भी खून परनाले से होता हुआ जमीन पर आता है। जैसे ही जमीन पर आया, अब जितने 40 लोग नीचे खड़े थे, एक दूसरे के बकरे झांक रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, कहा कि सबसे ज्यादा हमें अगर कोई चाहने वाला था तो वो कसाब था, कसाब भी ना रहा तो मुल्ला हुसैन थे, जो दुआ जुब्बा किया करते थे, मौला ने उनको भी नहीं छोड़ा, तो फिर हम कैसे छूट सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं। अब एक दो मिनट भी नहीं लगे कि 40 लोग जो इमाम की आमद का इंतजार कर रहे थे, इश्क का दावा कर रहे थे, मोहब्बत का दावा कर रहे थे, हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम इश्क करते हैं, एक एक करके सब फरार हो गए। एक मतलब इमाम ने मुल्ला हुसैन को देखा और कहा कि आप जरा मेरे चाहने वालों को बुलाओ। मुल्ला हुसैन ने ऊपर से जमीन की तरफ निगाह किया, देखा कोई भी नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा है, सब हयात छोड़कर भाग चुके हैं। एक मतलब इमाम कहते हैं, मुल्ला हुसैन मुझे ऐसे चाहने वाले नहीं चाहिए कि जिनको ये भी यकीन ना हो कि मेरा इमाम हमें कत्ल नहीं करता है, जिंदगी अता करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद। ऐसे ढूंढ के लाओ कि जिनका ईमान मुस्तहकम, जिनका ईमान कभी हो, कि जो मुझ पर भरोसा है। अल अजल कहने से मोहब्बत नहीं बढ़ती, बल्कि दिल को पाकीज़ा बनाने से मोहब्बत बढ़ती। दिल में ईमान की शमाओं को रोशन करने से ईमान में इजाफा होता है, मोहब्बत में इजाफा होता है।
जब तक इमाम की मारिफत ना हासिल हो जाए। अल्लाह मारिफत उसे हासिल होती है। अगर आप मारिफत हासिल करना चाहते हैं, मारिफत खुदा और मारिफत रसूल और मारिफत इमाम अगर हासिल करना चाहते हैं, तो पहली मंजिल में हमें अपने आप को पाकीज़ा करना होगा, अपने वजूद को ताहिर करना होगा, वैसा अपने आप को बनाना होगा कि जैसा हमारा वक्त का इमाम चाहता है, जैसा इमाम चाहता है, तब कहीं जाके इश्क परवान चढ़ता है। जब हम अपने वजूद को बिल्कुल इमाम की सीरत से मुशाबे कर लेंगे, तब कहीं जाकर इमाम हमें खत लिखकर बुलाएंगे कि हबीब तुम्हें हमारी जरूरत। समझे मफहूम? आप हमेशा सुनते हैं ना मजलिसों में, कभी गौर किया करें, तन्हाई में बैठे तो गौर करें। इमाम के पास अली अकबर मौजूद थे, कासिम मौजूद थे, अब्बास नामदार मौजूद थे, आखिर इमाम हुसैन को हबीब की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या हबीब के बगैर करबला अधूरी कोई मुकम्मल ना होती? क्या हबीब के बगैर कोई कमी वाकई थी? अच्छा इमाम तो इमाम, जनाब सैयद को हबीब की जरूरत पड़ गई, आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हबीब ने उस मारिफत को हासिल कर लिया था कि जिस मारिफत को हासिल करने का हक था। इमाम को उस तरह से पहचानते थे, वो इश्क हासिल था जनाब हबीब को, उस इश्क की मंजिल पर फायज थे जनाब हबीब। उनकी मजाहिर और बड़ी शख्सियत है इस्लाम की। एक इमाम खुद कहे कि तुम फकीर हो, रजुल फकीर, बड़ा माना रखता है इमाम, जिसे रजुल फकीर कहकर अल्लाह पर, यानी वो वक्त के मर्जा थे, फकीर थे, लायक तकलीद थे। कूफे में कौन बचपन के दोस्त होना ही अलग चीज है, बचपन में खेलना साथ में ये अलग मरहला है, लेकिन हबीब इब्ने मज़ाहिर को इमाम ने जब नामा लिखा है तो उसका पहला जुमला ही लिखा है, मेरा हुसैन गरीब मेरा रजुल फकीर, एक हुसैन गरीब की तरफ से ये खत है रजुल फकीर के नाम। अल्लाह कौन रजुल फकीर? हबीब इब्ने मज़ाहिर। हाँ जीजो, हाँ साहब, बस इस इश्क की मंजिल पर फायज थे हबीब। मेरा इतराज है उन लोगों पर कि जो ये कहते हैं कि जब इमाम का खत जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर को मिला है तो हबीब इब्ने मज़ाहिर खाने पर बैठे रहे और इमाम के खत का एहतराम नहीं किया। नहीं, जनाब हबीब इमाम बुलाए और हबीब इब्ने मज़ाहिर मदद के लिए ना जाए। वाकत है इमाम ने खत लिखा, नामावर को भेजा। आप सुनते हैं ना मजलिसों में, तवज्जो करें, हाँ कभी गौर किया करें, जब नामावर हबीब के दरवाजे पर पहुंचा, रवायत का जुमला यही है कि उस वक्त हबीब इब्ने मज़ाहिर अपनी ज़ौजा के साथ बैठे हुए खाना तनाउ कर रहे, खाने को मशहूर थे, लेकिन जैसे दबुल बाब हुआ तो एक मरतबा हबीब समझ गए कि ये कोई मामूली शख्स नहीं आया है। हबीब आहिस्ता आहिस्ता नहीं गए हैं, रवायत का इस जुमले को कोई नहीं पढ़ता है, रवायत का ये जुमला यहां से है, जैसे ही दबुल बाब हुआ है ना आजादारो, वैसे ही हबीब दौड़ते हुए दरवाजे तक गए हैं। ये अमल हबीब का बता रहा था कि हबीब खुद मुंतजिर थे इस बात के कि मुझे करबला जाना है, बगैर मेरे वजूद के करबला मुकम्मल नहीं है। जैसे दरवाजे को खोला, नामा पर सामने खड़ा हुआ था, उसने हुसैन के खत को हबीब इब्ने मज़ाहिर के हाथों में दिया। हबीब ने उस नामे को लिया, आंखों से लगाया, उसे बोसा दिया, बहुत देर तक तहरीर को पढ़कर आंसू बहाते रहे। एक मर्तबा करबला का रुख करके कहते हैं, मेरे आका हुसैन, मेरे मौला हुसैन, क्या इतने गरीब हो गए कि मुझे सिर्फ फकीर को बुला रहे हैं? ऐ मेरे आका, क्या हबीब की जरूरत पड़ेगी? मौला मैं आपकी मदद के लिए आऊंगा।
खेत में रखा और फिर से दस्तरखान पर आकर बैठ गए। एक मतलब सौजा ने पूछ लिया, हबीब ने अपने चेहरे को जमीन की तरफ किया, नीचे झुका लिया। ज़ौजा खड़ी हुई है, हबीब बैठे हुए हैं, आंखें नीचे है, नजरें नीचे है। एक मतलब ज़ौजा कहती है, हबीब वाय तुझ पर, ah
छोटा सा काफिला तैयार हुआ अभी नुसरत के लिए निकले। हाँ साथ में गुलाम भी है, मौला की मदद के लिए पहुंचे। आजादारो इधर खां के करबला بحق الأئمة
جسد الطاهرين من ذرية الحسن عليهم الصلاة والسلام بحق جحر دماثرين عليهم الصلاة والسلام ہماری اس نیک عبادت کو قبول کر اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما اے میرے اللہ ہماری اس عزاداری کو اپنی مجالس سے عذاب کو نوف و ماتم کو کریے و زاری کو امام وقت کی خدمت میں بہترین ہدیہ اور پرسہ قرار دے اے میرے خدا جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما خدایا 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 عالم انسانیت آج مرض بلا اور بیماری کا شکار ہے پوری عالم انسانیت کو اس وبا اس بلا اس بیماری اور مرض سے نجات عنایت فرما اے میرے خدا ہم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو سہ بلا فرما اے میرے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اے میرے اللہ پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما خدایا خدایا تجھے واسطہ ہے تیری ذات کبریائی کا اے میرے محبوب تو نے جو وعدہ کر رکھا ہے اپنے اس وعدے کو وفا کرتے ہوئے منتقی میں پورے حسینی یوسف زہرا فرزند زہرا امام اسرا ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پرنور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعمال و اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین